नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज 24। मैं हूं सतीश यादव और यहां पर हमारी टीम आज पहुंची है हरिद्वार से ऋषिकेश। तो ऋषिकेश की यहां पर खूबसूरती हम आपको दिखा रहे हैं और भी यहां पर बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। जिस तरह से यहां पर हमारे साथ सर कुछ मौजूद हैं और मैं मौजूद हैं, उनसे जरा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की खूबसूरती के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद पालीवाल। जी कहाँ से रहने वाले? मैं टीरी गढ़वाल खासपट्टी जाखणीधार से हूँ। जी तो आप तो पहाड़ों से ही है सर, बहुत ज्यादा जानकारी होगी आपको यहाँ के बारे जी, में। जी एक्चुअल में ये पहाड़ जो है ये देवभूमि है जी, और यहाँ पर भारत से नहीं विदेशों से भी रशिया इंग्लैंड यूएसए लोग यहाँ पर योग करने के लिए आते हैं जी। और यहाँ पर बड़ी बड़ी तपस्थली है जी। ये आपको तो पता ही कि भागीरथ जो थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी जी। और तब जाकर के भागीरथी को यहाँ पर से अवतार हुआ था जी। और उससे उनके पूरे जो है उसका परिवार का उद्धार हुआ था जी। तो ये बड़ी पवित्र जगह है। और ऋषिकेश, ये ऋषिकेश आप कई लोगों को पता नहीं ऋषिकेश का मतलब क्या वास्तविक अर्थ। तो ऋषि यहाँ पर एक ऋषि मतलब एक तो मैंने कि यहाँ पर लोग साधु संत आते हैं, ऋषि आते हैं और अपनी पूजा पाठ करते हैं और अपनी तपस्या करते हैं। तो ये तपस्थली है जी। और यहाँ पर शिव शंकर भोले का भी भागीरथी के नाम से जो काफी मतलब बहुत बड़ा पवित्र स्थान है जी। तो यहाँ पर आकर के हम समझते हैं कि बस एक बार यहाँ पर 5 बार 6 बार 7 बार डुबकी लगा दिया जी। तो धन्य हो गए और यहाँ पर से गंगा जल भर के अपने अपने जो हमारे मंदिर है अपने घर में ले जा करके ये गंगा जल का बड़ा मतलब बहुत ही वो शुभ मानते हैं हम इसको जी जी। और जब भी कभी घर में नया घर बनता है या कोई घर बनता है तो उसमें गंगा जल अर्पित किया जाता है जी। तो बाकी ऋषिकेश तो अपने आप में एक स्वर्ग है जी। और पहाड़ों से आकर के गंगा मैया यहाँ पर जो है पर्वत प्लेन में तो फिर अग्रसरित होती है। इससे आगे हरिद्वार है जी। और यहाँ पर जो है बड़े 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 मंदिर है, भारत मंदिर है, 13 मंजिल है, गीता आश्रम है, लक्ष्मण झूला है जो कि यहाँ के अपने अपने एक इतिहास है। लक्ष्मण झूला लक्ष्मण जी के नाम से है और अभी भारत सरकार ने अभी काफी हद तक राम झूला जानकी सेतु और भी बना दी आगे। तो यहाँ पर आकर के बड़ा आनंद आता है, दिल को शांति होती है, मतलब एक सुकून पैदा होता है यहाँ पर जी। और आना चाहिए, बहुत बढ़िया जगह है जी। तो सर जिस तरह का जैसे अभी यहाँ पे ऋषिकेश में जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ की महिमा के बारे में आपने बताया, यहाँ की खूबसूरती के बारे में आपने बताया, तो सर हरिद्वार या ऋषिकेश में ज्यादा महत्व कहाँ का है जी, हम जानना चाहेंगे। देखो सर दोनों जगह का अपना अपना महत्व है जी, लेकिन हरिद्वार के वहां पर हरि की पैड़ी है और हरिद्वार में एक तो कनेक्टिविटी ज्यादा है जी, बाया रेलवे से बस से, तो हरिद्वार का तो अपना है ही है जी। लेकिन ऋषिकेश भी अपने आप में अगर इसका पूरा इतिहास पढ़े आप तो ऋषिकेश भी एक अपने आप में एक धाम है जी। तो दोनों में वैसे कोई अब ये होता है कि कुंभ का मेला होता है जी, तो ज्यादा करके भीड़ हरिद्वार में होती है क्योंकि लोग बाई ट्रेन आते हैं बाई बस आते हैं तो हरिद्वार में जो है बड़ा आनंद मिलता है, वहां पर काफी शांति निकेतन है तो बड़े बड़े आश्रम है तो बाकी दोनों का बराबर ही महत्व है जी जी। जिस तरह का कि उन्होंने बताया वो टेहरी गढ़वाल से हैं तो यहाँ के बारे में उनको ज्यादा जानकारी है और हमने पूछा हरिद्वार से संबंधित, तो हरिद्वार का भी उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो जैसे ऋषिकेश में जितना महत्व है उतना ही हरिद्वार का भी महत्व है गंगा जी का, क्योंकि गंगा जी तो जो यहाँ पे हरिद्वार में है और ऋषिकेश में सेम ही है गंगा जी, लेकिन वहाँ पे लोगों की कनेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वहाँ का कुछ अलग ही थोड़ा सा क्रेज है वहाँ हरिद्वार का, इस तरह का वो बता रहे हैं। और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या कारोबार है आपका? सर मैं तो आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी और अभी मैं फिलहाल बस अपनी रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ। जी तो अभी हम सोच रहे हैं कि कभी ऋषिकेश कभी हरिद्वार कभी अयोध्या कभी जी, बनारस ऐसी अपना जी। तो आप दर्शन कर रहे हैं हर जगह और कहाँ कहाँ दर्शन करने गए हैं रिटायरमेंट तो के बाद? रिटायरमेंट के बाद हम गए उज्जैन गए हैं जी, उसके बाद अभी अयोध्या तो नहीं जा पाए क्योंकि वहां पर अभी तो भीड़ भाड़ है, उसके बाद अभी तो रिसेंटली मैं आया हूँ। अभी कितना टाइम हुआ रिटायरमेंट? अभी 2 साल ही हुए हैं। 2 साल हुए जी रिटायरमेंट के लिए, जी तो 2 साल में मैम को कहाँ कहाँ घुमाया? अभी इनको तो ऐसे लोकली घुमाया जाता है, टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग है हमारा जी जी, वहाँ पर भी संगम है अलकनंदा और भिलंगना का जी, वो भी बड़ा अच्छी जगह है। उसके बाद अभी तो सेटल हो रहे हैं जी जी। बाकी फैमिली बच्चे वगैरह सब? 2 बच्चे हैं, सब सेटल है अपना जी, एक आर्मी में है एक सिविल में है जी, तो ऐसे बढ़िया है भगवान की दया से सब सब जी चल रहा जी। बहुत ही अच्छा लगा उनसे जो टेढ़ी गढ़वाल के हैं, उन्होंने जो बहुत ही अच्छा अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में बताया कि वो अपनी फैमिली सेटल करके बच्चे आर्मी में हैं, कोई अपने कारोबार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया जिस तरह से फैमिली सेट होना चाहिए इसी तरह से वो सेट करके अपना दर्शन करने के लिए कहीं भी जा रहे हैं, वो कहीं ऋषिकेश हरिद्वार
अयोध्या भी वो जाने वाले हैं इस तरह का बोल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर हमें। और मैम भी कुछ बोलना चाहेंगी, मैम से भी जरा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी मैम आप बताएं। ये ऐसी जगह में आके बहुत ही शांति मिलती है, जी जी वो ये ऐसे मन करता है कि इधर ही बैठे रहे हम जी भी, इधर जी ही बैठ जाए जी तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप फैमिली से तो आप फ्री है, कोई बात नहीं, बच्चे सब सेट है, तो आप आराम से अपना एंजॉय करिए। कांग्रेस हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से 29/24 चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।